ये है वो ब्यूटी जिस पे आज पंकज दादा सिरेमिक कोटिंग करेंगे। फिलहाल तो अभी इसका थोड़ा क्लीनिंग का काम चालू है। कांच पे हुआ है क्या अभी तक की कुछ बाकी है सब? पंकज दादा कांच पे चालू है और बाकी है थोड़ा। अच्छा, मतलब कांच पे कोटिंग हो चुका है क्या? मेरे जीवन में दो चीजें अब मेरे हाथ के बाहर निकल चुकी है। एक तो मेरे पहले मेरे सर के बाल और ये दाढ़ी, देखो कितना भी सेट करो कंट्रोल होता नहीं है। सो हेलो, हाय दुआ सलाम, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैडास मोटर्स। ये है आज की बसंती, रेड कलर है ना, रेड कलर की मुझे जो कोई बाइक या कार दिखती है मैं उसको बसंती बोलता हूँ। तो आज हम आए वापिस एरोली पंकज दादा के शॉप में, डिटेलिंग ब्रदरहुड्स में, जो आपकी कार और बाइक की काया पलट कर देंगे मिनटों में। ऊपर आई बटन में एक लिंक आता होगा जहां पर मैंने मेरी अपाची आरटीआर 200 BS6 ड्रैको का फोम वॉश किया था, जो वीडियो को आपने काफी सराहा, आप लोगों को काफी वीडियो अच्छा लगा। ऊपर जो आई बटन में लिंक आता होगा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मेरा आईडी है rohan210896। आई नो थोड़ा हुलिया खराब है, क्या करे, ऑफिस से आ रहा हूँ डायरेक्ट। हॉबीज से प्यार है, जिस चीज से प्यार है उस चीज को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है, इस बात को फॉलो करो। तो आज हम ऑल न्यू Hyundai Creta, ऑल न्यू, ठीक है, इस पे आज पंकज दादा सिरेमिक कोटिंग करने वाले हैं और इस पे काम चालू है। फिलहाल तो इसकी ये जो मिरर्स हैं, साइड मिरर्स, ओके, इस पे कोटिंग हो चुका है। उस कोटिंग का फायदा ये है कि बारिश में जब चलाते हो तो इस पे पानी जम जाता है, राइट, आपको व्यू मिलता नहीं है पीछे का। टंग प्रेस हाइड्रोफोबिक कोटिंग इस पे हो चुकी है, जिसका फायदा ये है कि इस पे पानी ज्यादा जमा नहीं होगा, आपको व्यू पीछे का प्रॉपर मिलेगा। और इस पे सिरेमिक कोटिंग होना बाकी है, ये होगा हमारा एक सिरेमिक कोटिंग का जरिया। मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा और आपको लास्ट में आपको इसका प्राइसिंग ऐसा मालूम पड़ जाएगा। आप इसको कार बाइक पे भी कर सकते हो और डिटेलिंग ब्रदरहुड को आप फॉलो कर सकते हो, उनका इंस्टाग्राम आईडी में नीचे आता होगा, पंकज दादा का नंबर ये सब मिलता होगा। और आपको अगर यहाँ पर आके आपकी बाइक या कार को सिरेमिक कोटिंग करना है तो मेरा नाम लीजिए बैडास मोटर्स, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। ऐसा वो सोचेगा मैं कमा रहा हूँ इससे, मैं कुछ नहीं, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, अगर मेरे नाम के थ्रू आओगे तो दादा आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट देंगे। और ये देखो ये सब सिरेमिक कोटिंग की जो सा सामान है जिससे करने वाले हैं, लिक्विड ये सब आ चुका है। दादा आपका नाम? मेरा नाम राहुल। राहुल, सो दादा राहुल दादा तो इस पे काम कर रहे हैं। राहुल दादा कितना टाइम जाता होगा एग्जैक्टली अगर हम करने आए तो सिरेमिक कोटिंग? सो बेसिकली कैसा है कि कोटिंग्स का सारा टेम्परेचर का खेल है। तो ऐसा नहीं है कि अभी कर दिया और फटाक से मिल गया गाड़ी। सो अगर राइट टेम्परेचर है, इफ यू हैव राइट टेम्परेचर, तो जैसे अभी करंट है, नाउ इट्स ऑलमोस्ट मानसून, तो बारिश चालू है, खत्म होने पर है, तो काफी ठंडा है। तो इस सीजन में क्यूरिंग के लिए ज्यादा टाइम लगता है। Okay. जैसे हम अप्लाई करते हैं, अप्लाई होने के बाद क्यूरिंग के लिए थोड़ा टाइम लगता है। सो यूजुअली हम लोग दो दिन गाड़ी रखते हैं, सो इन ऑल 3 डेज, एक दिन पूरा कार के ऊपर डिटेलिंग होता है, जैसे अभी इसके ऊपर हुआ है, इसके ऊपर सारे स्क्रैच रिमूवल, सोल्स रिमूवल जो भी थे, बहुत सारे सोल रिमूव हो गया। सो दिस इज अ फिनिश्ड कार। ओके, मतलब जो पेंट प्रोटेक्शन वाला काम है वो बाकी है, बट जो पेंट करेक्शन वाला काम है वो हो चुका है। तो ये बाइक तो एप्लीकेबल है, बाइक बाइक कार टोटली एवरीथिंग, ऑल दी मोटर व्हीकल्स। और सो एक काम था, इस पे जो स्क्रैचेस आते हैं ये सब छोटे मोटे, इस पे दिखेगा नहीं आपको कैमरा में, लेकिन यहाँ पे छोटे से लाइट स्क्रैच है, वो सब स्क्रैचेस डस्ट की वजह से आते, कह सकते कि हम लोग जो हमेशा डेली कार क्लीन करते हैं कपड़े से उसके। सो यूजुअली उसका क्या है कि अभी नॉर्मली क्लीनिंग मेंटेनेंस, गाड़ी का मेंटेनेंस कैसा होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, सो यूजुअली लोग क्या करते हैं, वॉचमैन धोता है डेली गाड़ी। हाँ, तो वो क्या करता है, एक ही गाड़ी एक ही कपड़े से टायर भी धोएगा, वही कपड़े से गाड़ी पे भी धोएगा। हाँ, बराबर, उसकी वजह से जो पेंट का जो माइक्रोन लेवल होता है वो रिड्यूस हो जाता है, सारे सोल मार्क्स आते हैं, स्पाइडर वेबिंग दिखते हैं आपको। सो वो सब रिड्यूस होने के लिए बेसिकली पेंट करेक्शन का स्टेप करना पड़ता है, जिसके ऊपर से वो पेंट करेक्शन स्टेप के बाद सारे स्वर्ल्स सब निकाले जाते हैं, डिकंटेमिनेशन होता है गाड़ी का पूरा। हाँ। पहले डिकंटेमिनेशन होता है गाड़ी का, उसके बाद गाड़ी का पेंट करेक्शन होता है, पेंट करेक्शन होने के बाद जब फिनिश प्रॉपर आता है, सो बेसिकली पेंट करेक्शन के लिए ऑलमोस्ट 5 to 6 hours लगते हैं। सो काफी उन्होंने डिटेल में बता दिया है, पीछे पंकज दादा भी है
आप इनको जानते होंगे जिन्होंने जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं आप अच्छे के लिए जो दादा ने किया था, दादा बहुत ही अच्छा उसका रिव्यू भी बहुत अच्छा है। तो थोड़ा ऑडियो क्वालिटी में थोड़ा फर्क आता है, टेंशन मत लो, मैं ऑडियो क्वालिटी पे काम कर रहा हूँ। हम लोग भाई बढ़ रहे, धीरे धीरे बढ़ रहे, लेकिन डिटेलिंग ब्रदर्स का आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मिल जाएगा, इंस्टाग्राम आईडी जाओ दादा, और जो मेरे थ्रू आए उनको पक्का डिस्काउंट देना। ऑलरेडी दे चुका हूँ, दे चुके हैं, ऑलरेडी आए थे कुछ क्लाइंट्स। ओके, सही बात है। तो उनको बोला उन्होंने कि मैंने हमने यूट्यूब पे देखा, तो डेफिनेटली उनको डिस्काउंट तो हम लोग देते ही है। ओके, राइट। एंड इनफैक्ट आई वुड लाइक टू मेंशन कि नॉट जस्ट बाइक्स, हाँ, वी गॉट फ्यू पीपल विद द कार ओनर्स टू, एंड वो लोग आपके बैडस मोटर्स का रेफरेंस लेके आए थे, वी गेव देम द डिस्काउंट। बट अपार्ट फ्रॉम डिस्काउंट, वन गुड थिंग, एक अच्छी चीज मुझे, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे पास जो आ रहे हैं वो जाते टाइम ये बोलते हैं कि जो उन्होंने वीडियो डाला था उसमें जो रिजल्ट दिख रहे हैं वो हम हमारे गाड़ी में भी देख रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वीडियो के लिए बाप कुछ एकदम आउट ऑफ द बॉक्स काम किया हुआ है और हमारे गाड़ी में वो काम नहीं हो रहा है। So while going, customers बहुत ज्यादा खुश थे, बहुत ज्यादा, and they felt कि वीडियो में जो था वो है गाड़ी, मतलब वो ही मिल रहा है मेरी गाड़ी। कार में ये हल्के मुल्के जो स्क्रैचेस होते हैं ना, देखो दिख रहा है आपको, ये हम लोग ने जानबूझ के स्क्रैच मारने दिए, क्या कभी जो वॉचमैन जब भी जो सुबह गाड़ी धोता है उसका हाथ लग गया, अंगूठी लग गया, उन सब के वजह से ये आता है। तो कुछ कुछ लोगों का ना पंकज दादा गलत फहमी है कि सिरामिक, सॉरी राहुल दादा, कुछ लोगों का गलत फहमी क्या होता है कि सिरामिक कोटिंग से गाड़ी पे स्क्रैच नहीं आते, तो सर आप उनको जरा क्लियर करो ना, क्या सिरामिक कोटिंग क्यों होता है, किसके लिए होता है? बिल्कुल। सो बेसिकली क्या होता है कि सिरेमिक कोटिंग, लोगों को क्या लगता है कि स्क्रैच प्रूफ हो गई मेरी गाड़ी, अभी इसके ऊपर जिंदगी में कोई स्क्रैच नहीं आएगा। हाँ हाँ, बट ऐसा नहीं है। सिरेमिक कोटिंग क्या है कि आपका जो पेंट है उसको प्रोटेक्ट करेगा। ओके, पेंट प्रोटेक्ट करता है। दैट प्रोटेक्शन हैज अ लेवल। ओके, लेवल होता है, एक लेयर। तो अगर स्क्रू ड्राइवर या फिर कुछ लेके अगर इसको मारोगे, हाँ हाँ, स्क्रैच आएगा, आएगा, ऐसा नहीं है स्क्रैच नहीं आएगा। बट जो माइनर स्क्रैचेस, जैसे अभी मेरा वॉच यहाँ पे लग के घिसा थोड़ा बहुत ऊपर, हाँ हाँ, चलते चलते कुछ लग रहा है, ये सब जो स्क्रैचेस, तो ये सब जो छोटे मोटे, जैसे छोटे मोटे जो स्क्रैचेस है लाइन, ये नहीं आएंगे। हाँ, ये सब नहीं आएंगे। ओके, तो राहुल दादा अभी हम इस पे डायरेक्ट, अभी क्या नेक्स्ट प्रोसीजर, अपने गाड़ी पूरा धो के क्लीन कर दिया, हाइड्रोफोबिक, हाँ, उन्होंने कर दिया है, तो अब इस पे क्या करेंगे, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? स्टेप्स बताता हूँ। स्टेप्स, सबसे फर्स्ट जब गाड़ी हम लेते हैं तो फर्स्ट वी वॉश द कार। अपने पास नैनो फोम है, जो भी मतलब वो जो है, दैट इज नॉट अ बेसिक शैम्पू, जो फोम होता है वो सादा शैम्पू नहीं है, वो नैनो शैम्पू, नैनो फोम वॉश है, जिसकी वजह से गाड़ी का जो पोर्स है वो डीप क्लीनिंग होता है। ओके, नैनो शैम्पू होने के बाद व्हाट वी डू इज हम लोग पूरे गाड़ी को डिकंटामिनेशन करते हैं। डिकंटामिनेशन होने के लिए अपने पास आयन है, आयन रिमूवर है, तो आयन रिमूवर, टार रिमूवर, ये सब प्रोडक्ट्स है जिसके ऊपर से गाड़ी का पूरा जो आयन रहता है बॉडी में, टार मतलब जो हम लोग रोड पे चलते हैं जो छोटे मोटे जो डाम्बर, डाम्बर होता है। ओके, डाम्बर, ओके, टार का हो गया, डाम्बर का हो गया, फिर आयन होता है, मतलब आपको विजिबलाइज में दिखेगा नहीं, बट जब हम आयन रिमूवल यूज करते हैं तो गाड़ी से पिंक पिंक निकल के पूरा आयन छूटता है। ओके, किया हुआ है तो उसके वीडियो भी है हमारे पास, हम आपको दिखा देंगे इसी गाड़ी के, इसके ये, ओके, फुटेज में डाले हुए हैं मैंने, आप देख लो जो पहले थे, मैं वापस फुटेज डाल देता हूँ, आपको मालूम पड़ जाएगा। ओके, तो उससे पूरा गाड़ी का आयन रिमूव होता है, जो डिकंटामिनेशन होता है वो पूरा हो जाता है, फिर उसके बाद अपने पास प्री वॉश है, उससे हम गाड़ी पूरी क्लीन करते हैं, जो आयन डिकंटामिनेशन हुआ हुआ होता है कुछ मार्क्स रहते हैं, प्री वॉश से पूरा फिनिश होता है गाड़ी। फिनिश होने के बाद हम लोग वापस उसको एक नैनो वॉश देते हैं, नैनो वॉश होने के बाद गाड़ी इज क्लीन, क्लीन नाउ, मतलब अभी टाइम है कि हम गाड़ी का पेंट करेक्ट करेंगे। करेक्शन के लिए हेवी कटिंग कंपाउंड यूज होता है, जिसको हम लोग 3 टाइम, मतलब जब तक गाड़ी फिनिश नहीं होती है, जब तक सारे सोल्स नहीं निकलते हैं तब तक हम लोग कंपाउंडिंग करते हैं। एक्सटेंसिव प्रोसेस है, गाड़ी की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ, कि गाड़ी कितनी, कितने सोल्स है गाड़ी के ऊपर, कितना टाइम जाता है, बट मोस्टली 5 to 6 hours एक आराम से पकड़ के ही चलते हैं, 5 to 6 hours मिनिमम लगता है। मैं आपको डिटेलिंग ब्रदर्स का एक सोर्स,
मैं डिटेलिंग ब्रदर्स का आपको एक बात बता देता हूँ जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। जैसे कि ये सबको आपको दिख रहा है, ये सब डिटेलिंग्स, इसे मोस्टली क्या करते हैं बहुत सारे लोग कि जो गैप दिख रहा है आपको यहाँ पर, वो लोग काम नहीं करते। लेकिन डिटेलिंग ब्रदर्स में क्यों इतना सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि वो लोग ये सब छोटे छोटे चीज़ें ना, ये सब छोटे छोटे गैप, वहाँ पर भी वो लोग डिटेल में जाके काम करते हैं। आप देख लो पूरी गाड़ी को, ठीक है, ये देख लो। मैंने अभी इसका इंटीरियर देख सकते हो आप, इंटीरियर फुल क्लीन है, मीन्स डैशबोर्ड आप इसका देख सकते हो आप, ये फुल क्लीन है। और ये ऑल न्यू क्रेटा है ऑटोमेटिक गियर वाली, मीन्स लिटरली राहुल दादा मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि गाड़ी अभी अभी शोरूम से आई है लिटरली। मीन्स ये देख लो आप, ये नीचे का जहाँ पर हम पैर रखते हैं, हम आप देख सकते हो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर जहाँ पर हम ग्लासेस ये सब रखते हो मोस्टली, देखो यहाँ पर अंदर धूल ये सब होता है जहाँ सब ग्लास अप डाउन करते हैं। लेकिन दिख रहा है आपको डिटेल में काम हुआ है। जैसे कि देखो डैशबोर्ड है, ये डैशबोर्ड में यहाँ पर भी देखो ये सब जो छोटे मोटे गैप्स होते हैं ना, यहाँ पर हमें बहुत सारे कचरा धूल ये सब मिलता है। लेकिन जैसा नाम वैसा काम डिटेलिंग ब्रदर्स का, देख लो आप फुल मींस। और मैं फर्स्ट टाइम क्रेटा को, राहुल दादा मैं फर्स्ट टाइम ये न्यू क्रेटा को मैं अंदर से देख रहा हूँ, ये देखो आराम से खोलूंगा, ये देख लो आगे पीछे फुल डिटेल में। ये देखो रूफ दिख रहा है आपको, रूफ का काम भी उन्होंने एकदम डिटेल में क्लीन किया हुआ है। ये देखो यहाँ पर भी जो अंदर कचरा नहीं होता, ये सब क्लीन हुआ है सब। ये देखो लोगों का काम, लोगो है ना Hyundai का लोगो, और ये देखो अंदर ये सब जो इसके बीच में देखो आपको कभी कचरा उचरा मिल जाएगा, ये सब पूरा क्लीन किया है दादा, ये सब पूरा। ये देखो मोस्टली क्या होता है हर गाड़ियों में, देखो ये जो पोर्शन नहीं है आपको, ये देखो ये जो पोर्शन में जो पुल किया है इसके अंदर आपको कचरा मिलता है। लेकिन मैं थोड़ा जूम कर मार देता हूँ, लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी कचरा नहीं मिलेगा, इनफैक्ट यहाँ पर भी आपको नहीं मिलेगा। सो दादा ये देखो मैं बता रहा था ना, देखो ये जो हम लॉक खोलते हैं ना फिंगरप्रिंट से ऐसा हाथ रख के, देखो ये जो गैप दिख रहा है आपको यहाँ पर भी उन्होंने एकदम डिटेल में काम किया है। सो राहुल दादा इतना जो आपने डिटेल में काम किया है इसके लिए आपका पूरा एक दिन गाड़ी धोने में जाता है? यस आराम से, पूरा गाड़ी का पेंट करेक्शन होने के लिए वन डे इज मिनिमम व्हिच इज रिक्वायर्ड, पूरा दिन चल जाता है एक ही गाड़ी में। और ऐसा मत सोचो कि मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए उन्होंने इस गाड़ी पे ज्यादा मेहनत से काम किया, नहीं मैं यहाँ के कस्टमर्स का रिव्यू ले चुका हूँ, वो लोग हर एक गाड़ी पे ऐसा ही मेहनत। ये वापस पानी डाल के आपने क्लीन किया है कि क्या है ये राहुल दादा? बेसिकली क्या है कि गाड़ी को जब हम लोग फाइनल फिनिश देते हैं तो उसके ऊपर का जो भी ऑयल्स या फिर अगर कुछ रहेगा तो उसको निकालना पड़ता है, तो उसके लिए एक आईपीए स्टेप होता है। आईपीए स्टेप, आईपीए सॉरी आईपीए गाड़ी के सरफेस पे मारा जाता है, फिर वाइपिंग की जाती है, इससे सारे ऑयल्स जो भी ऑयल्स या फिर जो भी सीलेंट गाड़ी पे रहते हैं वो पूरे हट जाते हैं और इसके फिर कोट होता है। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आप एक ही डायरेक्शन में पूरा क्लॉथ को घुमाओ, मीन्स एक ही डायरेक्शन में उसको क्लीन करो। देख लो आप दूर से दिखाता हूँ, पंकज ज्यादा मेहनत कर रहा है, राहुल दादा भी देख रहे हो, डेडिकेशन देख रहे हो आप, इतना प्यार से तो मैंने अपनी गाड़ी को भी नजदीक से नहीं देखा होगा एक एक स्क्रैच के लिए। देखो सो वन थम्स अप फॉर डिटेलिंग ब्रदरहुड। देखो लगता है राहुल दादा आज एक भी कोना नहीं छोड़ेंगे, राहुल दादा एक भी कोना मत छोड़ना दादा। सो ये है काम, अभी यही सेम प्रोसेस जो बोनेट पे हुआ है यही सेम प्रोसेस पूरे गाड़ी पे होगा, जिसमें ऑलमोस्ट एक दो दिन जाएगा, राइट?
आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। डिटेलिंग ब्रदर्स इंस्टाग्राम आईडी उनका आता होगा, पंकज दादा का नंबर पे आप उनको कांटेक्ट करो, वो आपको पूरा बता देंगे कॉस्ट क्या है। पॉकेट फ्रेंडली है, आप आके करा सकते हो और आपने तो काम देख ही लिया है। आपको इनका एड्रेस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, और जो नवी मुंबई में रहता है एरोली साइड उनको भी, एरोली सर्कल जो है उसके सर्विस रोड पर ही है इनका। डिटेलिंग ब्रदर्स इनका नाम है, आप इनको कॉन्टैक्ट करो, अगर मेरा रेफरेंस लेके जा रहे हो तो आपको काफ़ी अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दो गो एंड फॉलो डिटेलिंग ब्रदर्स इंस्टाग्राम, उनका आईडी आ रहा था नीचे, जाके फॉलो करो, उनको कॉन्टैक्ट करो, आप जाके गाड़ी का, बाइक का, कार का काम उधर जाके करा सकते हो विथ लेस कॉस्ट। कॉस्ट काफ़ी अच्छा है, मीन्स आपको जमेगा, बहुत ही अच्छा है। गो एंड फॉलो देम।